Let's do this. One, two, and three. Oh. We are like India. Look at that. All right, दोस्तों हम हैं वियतनाम में, जी हाँ, और दानांग में हैं, जाने वाले हैं केबल कार से, yes, और वो भी एक ब्रिज पे, और वो जो ब्रिज है दोस्तों, it is one of the highest bridge and it's a beautiful bridge, और हमारे पास एक beautiful चीज भी है, Vivo X90 Pro, इस scenic जगह पे बहुत सारे फोटोज निकालने वाले हैं, first impression देने वाले हैं, obviously केबल कार में जाके अनबॉक्सिंग भी करने वाले। This is going to be a very, very, very different video and I am super duper excited. Let's go. Namaste, namaste. Let's go. Come. Quick. All right. Thank you. Twister. Oh, it's fast. वो देखिए दोस्तों, दैट इज व्हाट केबल कार इज, एंड ये बहुत फास्ट है अभी। ऑलराइट, इस क्रेजीनेस में दोस्तों अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे ये फोन हमने निकाला भाई क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, तो बहुत सारे हम ऑब्वियसली दोस्तों बहुत सारे फोटोज वगैरह ले रहे हैं, लेकिन क्विकली आपको अनबॉक्स करके दिखा दूं कि Vivo X90 Pro द कैमरा प्रो स्मार्टफोन कैसा है। जी हाँ, आपको नीचे दिख रहा है अनबॉक्सिंग के साथ में, दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। वो देखिए दोस्तों, बॉक्स खोलने से पहले लुक एट दैट, ओ माय गॉड, इट इज फ्राइटनिंग, बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है, और हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। Vivo X90 Pro द बॉक्स, फोन जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, मैं दिखाने वाला हूँ फोन आपको, बट लेट्स ओपन। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, ओ सिम कार्ड टूल है, ये थोड़ा अलग है दोस्तों फ्रॉम आवर स्टूप, ओ माई गुडनेस। ऑल राइट, ये केस है, दिस इज द केस। अलग ही फील आता है जब ऐसे अनबॉक्सिंग ऐसी जगह पे कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट, डॉक्यूमेंटेशन, आई एम लिटरली शिवरिंग। ओके, ये हो गया। What else do you have? This is 120 watt USB Type C charger है ये, so that is their flash charge. Obviously 120 watt है, and then USB Type C to Type C cable. That's what it is. Okay, I don't want to lose anything here. मुझे डर लग रहा है दोस्तों। अब केबल कार से उतर के आपको Vivo X90 Pro के बारे में और बताते हैं। जैसे ही वो जो टॉवर है ना उधर से जाता है, यू नो शेक होता है, बट दिस इज व्हाट द फोन इज। अगर आप एक्सटीरियर देखोगे दोस्तों, कर्व्ड ग्लास है आगे से, पीछे वेगन लेदर है, एंड लुक एट द कैमरा मॉड्यूल, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द फोन। जी हाँ, ये जो है ये हाईलाइट है, एंड इवन बैक अगर आप देखोगे तो वेगन लेदर है, वेरी वेरी गुड फील, इन हैंड फील तो अच्छा है, स्लाइटली ऑन द स्लिपरी साइड, बट वेगन लेदर अगर आप लोगे तो ग्रिप आपको अच्छी मिलती है। अगर मैं फ्रेम के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली मेटल फ्रेम है। नीचे की तरफ पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर उसके वॉल्यूम रॉकर है, एंड Oh my goodness. Okay. ऊपर की तरफ दोस्तों आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, साथ में IR ब्लास्टर भी है। पीछे की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, एक्सट्रीम इमेजिनेशन, ये देखिए। एंड ये जो है ना, ये स्ट्रिप बहुत अच्छी दिखती है, आई मीन दिस डेफिनेटली लुक्स वेरी वेरी रिच। गिराना कहाँ पे है, ऊपर जाके गिराते हैं, इधर गिराने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। वैसे सिम कार्ड टूल है दोस्तों, लेकिन ई सिम भी आया हुआ है दिस टाइम। आई थिंक Vivo X80 में नहीं था, बट X90 सीरीज में यू ऑल्सो गेट ई सिम सपोर्ट। लुक एट द नंबर ऑफ केबल कार्स, ओह वी आर द टॉप, ओ हो, दोस्तों Vivo X90 Pro के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इधर नहीं, हम जाने वाले हैं उधर। लुक एट दैट, वो जो ब्रिज है, दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट, कुछ 1600 मीटर ऊपर है, एंड 6 किलोमीटर हम ऊपर ट्रैवल किया हुआ है हमने, और फिर हम जाने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट अनबॉक्सिंग। दैट वाज वन फन राइड। ऑलराइट, आ गए हैं दोस्तों गोल्डन ब्रिज के ऊपर, दिस इज द टॉलेस्ट पॉइंट,
और फोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो बड़ा डिस्प्ले 6.78 इंच का 3D कर्व डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन। याद रखिए X80 Pro के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 2K था, इसमें अब आ गया है 1.5K। और उतना ही नहीं, वो LTPO था, दिस इज नॉट LTPO, इसका मतलब कम से कम 60Hz पे जाता है एंड देन 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट तो है ही इसके अंदर। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स है, इनफैक्ट साइड के बेजल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसका। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये 10-bit डिस्प्ले है, HDR वगैरह का सपोर्ट है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये पहला फोन है, इनफैक्ट इंडिया में भी पहला ही फोन है, दुनिया में पहला फोन है दोस्तों जो Dimensity 9200 इस प्रोसेसर पे आता है। दिस इज अ 4nm प्रोसेसर और MediaTek का Dimensity का दोस्तों ये फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। अगर मैं AnTuTu स्कोर के बारे में बात करूं, अगेन इट कम्स क्लोज टू 8 Gen 2, नॉट क्लोज, नियरली इक्वल, 1.25 मिलियन इसका AnTuTu स्कोर आता है। इसमें दोस्तों दो वेरिएंट्स आते हैं, बेस वेरिएंट 8GB 128GB एंड ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज विद 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। अगर प्राइस के बारे में बात करूं, प्राइस विल बी नियरली द सेम जो X80 Pro की थी। इट विल स्टार्ट X80 सीरीज जो है अराउंड 70,000 से स्टार्ट होने वाली है, सो प्राइस रिमेन्स द सेम। डिस्प्ले के बारे में दोस्तों 1300 निट्स ब्राइटनेस आता है, तो ऐसा सनलाइट होगा तो भी आराम से आप डिस्प्ले के पास देख पाओगे। एंड यस 2160Hz का PWM है, और क्या होता है बेसिकली लो लाइट में एकदम कम ब्राइटनेस भी होगा तो भी फ्लिकर जो होते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, इट विल नॉट हर्ट योर आईज। इंटरेस्टिंगली X80 सीरीज में 1500 निट्स ब्राइटनेस थी, दिस टाइम इट इज 1300 निट्स। और दोस्तों आपको तो मालूम है कि X80 सीरीज जो है ZEISS के कोलैबोरेशन के साथ कैमरा में बहुत उन्होंने काम किया हुआ है, उनके कोलैबोरेशन से बना है। लेकिन इस टाइम सिर्फ कैमरा ही नहीं, इवन डिस्प्ले जो है उसके ऊपर भी जो कलर कैलिब्रेशन वगैरह है वो ZEISS ने हेल्प किया हुआ है, ZEISS के कोलैबोरेशन से हुआ है कलर कैलिब्रेशन ऑफ द डिस्प्ले। दोस्तों अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं, 4870 mAh की बैटरी है विद 120 वॉट चार्जिंग। अगर X80 सीरीज के साथ कंपेयर करते थे तो उसमें 80 वॉट आई हुई है, इसमें अब 120 वॉट आ गई, सो 50% हायर। उतना ही नहीं, 0-100% इन 25 मिनट्स एंड 0-50% इन अंडर 10 मिनट्स, सो वेरी फास्ट चार्जिंग। लेट्स टॉक अबाउट OS। जी हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स फनटच OS 13 मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, एंड 3 साल के आपको मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, सो 14, 15 एंड 16 गारंटी। वैसे X90 Pro के साथ में X90 भी आया हुआ है, जी हाँ, उसमें वेगन लेदर नहीं है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर बाय द वे, अगर आप देखोगे आई रियली लव दिस कलर। डिफरेंसेस कैमरा में मोस्टली अगर देखा जाए तो कैमरा में डिफरेंस है, परफॉर्मेंस के मामले में सेम है क्योंकि इसमें भी 9200 Dimensity 9200 आता है। ऑलराइट दोस्तों, बात करते हैं कैमरा के बारे में, बिकॉज आफ्टर परफॉर्मेंस नहीं, बिफोर परफॉर्मेंस कैमरा इज द बिगेस्ट हाईलाइट। अगर मैं X90 Pro के बारे में बात करूं तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और वो भी 1 इंच का सेंसर मिलता है। प्राइमरी सेंसर जो है वो है IMX, सोनी का IMX 989, विच इज 1 इंच सेंसर। इनफैक्ट मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ उसकी साइज। दूसरा जो है दैट इज 12 megapixel, और तीसरा पोर्ट्रेट है दैट इज 50 megapixel, सो 50 + 12 + 50। और हाँ, OIS जो है वो आ गया, जिम्बल था पिछले टाइम X80 सीरीज के बारे में बात करूँ, बट इसके अंदर दोस्तों अब OIS आ गया है। वैसे दोस्तों देयर इज अ रीजन कि इसमें OIS क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी 1 इंच सेंसर है जो बड़ा है। अगर आप कैमरा बंप देखोगे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और अगर जिम्बल होता तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई OIS इज देयर। वैसे दोस्तों कैमरा के बारे में 2-3 चीज मुझे बतानी है। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों 50 megapixel का, उसमें एपरेचर f1.75 आया हुआ है। 80 सीरीज में आपको f1.8 मिलता था, बट उससे भी ज्यादा पोर्ट्रेट लेंस में अब f1.6 आ गया है। दैट मींस इवन लो लाइट पोर्ट्रेट फोटोज जो है बहुत अच्छे आएंगे। यस, इट लेंस इन मोर लाइट, और वैसे भी 1 इंच सेंसर है। सो कैमरा, वैसे इसका कैमरा रिव्यू, फुल कैमरा रिव्यू आ रहा है बहुत जल्दी, वेट फॉर दैट। वैसे दोस्तों इसका जो कैमरा है वो उसमें कुछ डिफरेंट है। जी हाँ, V2 चिपसेट, जैसे X80 सीरीज में V1 थी, इसमें V2 चिपसेट आ गई है, और इस टाइम स्टैटिक रैम और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग है और भी फास्टर होता है और ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है। इसकी वजह से आपका जो पोस्ट प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी कम होता है, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से होता है। इनफैक्ट मैं अभी नहीं कहूँगा बहुत अच्छी तरह से होता है, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट इंप्रेशन। और दोस्तों V2 चिपसेट के सिर्फ फोटो के लिए नहीं, वीडियो में भी उसका फायदा होता है। यस, इनफैक्ट फ्रेम इंटरपोलेशन भी आप कर सकते हो, जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 120 FPS उसकी वजह से आपको मिलता है। और हाँ, जब आप वीडियो देख रहे हो तो अगर HD कंटेंट रहेगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट होगा, तो वो HD में आपको दिखाएगा कन्वर्ट करके। दैट ऑल हैपेंस थ्रू दैट V2 चिपसेट। वैसे व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड वाज V2 चिपसेट जो है ये वीडियो में नॉइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो लो लाइट में जनरली आपको ग्रेन्स वगैरह दिखते हैं, नॉइज दिखता है, तो V2 चिपसेट की वजह से नहीं दिखता है। पोस्ट प्रोसेसिंग जो है
रियली गुड। वैसे ज़ाइस और एक चीज़ करता है दोस्तों, ये जो कैमरा है उसके ऊपर वो टी स्टार कोटिंग, आपको पता है एक सिटी के समय भी मैंने बताया हुआ था, जिसकी वजह से फ्लेयर्स वगैरह बहुत कम होते हैं। तो आप अगेंस्ट लाइट या फिर सन वगैरह होगा, ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा, उसके अगेंस्ट फोटो निकाल रहे हो, देन यू विल नॉट गेट दोज फ्लेयर्स, जिसकी वजह से पूरा फोटो खराब हो सकता है। लेकिन आपको पता है सिनेमैटिक फ्लेयर नाम का एक फीचर आता है। जी हाँ, सिनेमैटिक फ्लेयर फोटोज आप निकाल पाओगे, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली वो फ्लेयर आता है एंड इट लुक्स गुड। और दोस्तों फीचर्स के मामले में एक्सट्रीम नाइट वीडियो मोड भी आता है। जी हाँ, एकदम लो लाइट कंडीशन में भी आप फोटो निकालोगे। इनफैक्ट कल और आज हमने वो ट्राई किया, एकदम लो लाइट, कुछ नहीं दिख रहा है और हम वीडियो निकाल रहे हैं, बट जब आप वीडियो प्रोसेस होके बाहर आता है देखते हो तो यू कैन एक्चुअली सी द डिटेल्स। और एक मोड दोस्तों एस्ट्रो मोड आता है, जहाँ पे आपको अगर एस्ट्रोनॉमी की फोटो निकालने हैं, वो जो लाइट ट्रेल्स वगैरह होते हैं वो निकालने हैं, तो जनरली आपको ट्राईपॉड पे रखना होता है, बिकॉज यू हैव टू कीप द फोन स्टिल। बट इसमें हैंड हेल्ड मोड आ गया हुआ है। जी हाँ, हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड। सो 3-4 सेकंड तक आप पकड़ के रखोगे, आपके हाथ में स्लाइट शेक होगा, फिर भी आपके फोटोज अच्छे आएंगे, एस्ट्रो फोटोज। और दोस्तों 1-inch सेंसर है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेता है, तो कभी कभी आपको लगेगा कि भाई शटर जो है वो स्लो चलता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स मोड, बेसिकली एक्शन मोड जो होता है, फास्ट एक्शन आपको कैप्चर करना है, फास्ट शटर स्पीड चाहिए, वो मोड भी आता है। वैसे सेल्फी के लिए दोस्तों 32 megapixel का सेंसर आता है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, 4K 8K सपोर्ट करता है, सो ऑल दोज आर देयर। ऑब्वियसली फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, वो भी नेक्स्ट लेवल कहूंगा। जी हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेट फॉर आवर कैमरा रिव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर ऑप्टिकल जूम के बारे में बात करूं, इस टाइम 2x ऑप्टिकल जूम है, पिछले टाइम 5x था, बट हाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से आप 5x फोटोज निकाल पाओगे। और वीवो का कहना है, हमें टेस्ट करना है दोस्तों, कि वो 5x के जो हाइब्रिड जूम वाले फोटोज होते हैं दे आर रियली गुड, वी विल फाइंड दैट आउट सून। और दोस्तों ज़ाइस के पार्टनरशिप में उन्होंने कुछ 5-6 पोर्ट्रेट फिल्टर्स भी दिए हुए हैं ज़ाइस के। And you also get Zeiss Natural Color 2.0. अब ये natural color क्या है? Normally जब photos click होते हैं, they are already in vibrant colors. लेकिन अगर आपको natural colors चाहिए होंगे, you can use that Zeiss Natural Color 2.0. और हाँ दोस्तों, cinematic photos ही नहीं, आप cinematic videos भी इसके साथ shoot कर पाओगे. So lots and lots of camera features are there. सब टेस्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट राइट हियर। दोस्तों अगर कैमरा के बारे में एक ही चीज कहूं, तो जो सेल्फी है वो आपको 1080p एट 60fps वीडियो देता है, तो उधर 4K नहीं है। वैसे आपसे पूछना है, 4K वीडियो सेल्फी से शूट करते हो? हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब इसमें IP68 सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज रियली गुड। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, सभी 5G बैंड्स वगैरह आते हैं, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। वाईफाई 6E का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC आता है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर ऑल देयर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, तो सभी सेंसर्स आते हैं, सिर्फ इतना है कि पिछले टाइम वीवो X80 सीरीज में आपको अल्ट्रासोनिक मिलता था, इस टाइम ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बट दे वर्क वेरी वेरी वेल, वेरी फास्ट। ऑलराइट दोस्तों, ड्रॉप टेस्ट मैंडेटरी है, वियतनाम में हो, हमारे स्टूडियो में हो या किधर भी हो, तो मैं ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ। वैसे शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास आता है आगे की तरफ, पीछे जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलता है। जी हाँ, ऑन ग्लास, एंड ये तो वेगन लेदर है तो उसका कोई इशू नहीं है, बट वी आर गोइंग टू डू द ड्रॉप टेस्ट। लुक एट दिस, 1, 2, and 3। ऑल राइट, एनीथिंग? नो, नथिंग, कुछ नहीं। ऑल राइट, वन मोर, लेट्स डू दिस, 1, 2, and 3। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं, वेल बिल्ट, वेरी वेल बिल्ट। दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल लार्ज डिस्प्ले, इमर्सिव डिस्प्ले है, एंड कलर्स आर एमोलेड होने की वजह से इट इज अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। एंड ऑडियो भी स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, HDR का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में आप HDR स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। दिस इज अ ग्रेट मल्टीमीडिया फोन फॉर श्योर। वैसे बैटरी के बारे में एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, 50W वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, सो या दैट इज देयर। तो फाइनली दोस्तों, मुझे वीवो X90 प्रो या X90 सीरीज के बारे में क्या लगता है? एक तो चीज़ है दोस्तों, डिज़ाइन इसका स्टैंड आउट है, स्पेशली अगर आप ये बिग आई डिज़ाइन जो वीवो कहता है उसके पास देखोगे, उसके अराउंड आपको सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील मिलता है, इवन दिस लाइन, इट जस्ट मेक्स इट लुक वेरी रिच एंड देन वेगन लेदर डिज़ाइन जो है, एब्सोल्युटली स्टनिंग, नो डाउट अबाउट इट। जी हाँ, परफॉर्मेंस डायमेंसिटी 90-100
एब्सोल्यूट फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैमरा दोस्तों. जितना भी मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है, आई हैव बीन इंप्रेस्ड विद इट. बट वेट फॉर आर फुल फाइनल रिव्यू. जी हाँ, कैमरा का बड़ा रिव्यू आ रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग. और दोस्तों, जैसे मैंने बताया, Vivo X90 Pro के साथ X90 भी लॉन्च हुआ है. जो भी डिफरेंसेस है स्क्रीन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा. चलिए दोस्तों, इस X90 सीरीज के अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में, थोड़े अलग अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.